क्या नाम है आपका? सारिका। ओए होए, सारिका नाम बता रही है। इसके यार कान सही हो रहे हैं, अपने वाले के कान थोड़े वैसे हो गए हैं। हमारे रहनूर में आते हैं, चट्टे पे रहते हैं। चट्टे पे रहते हैं। तो अब तुम्हें जब तुम सीधे रेस्टोरेंट जाओ। हमारी कंपनी क्या हो गया है, कोई जनानी है? हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों दिन शुरुआत हो चुकी है, सॉरी, गुड मॉर्निंग न्यू, 4:06 हो रहे, कोई गुड मॉर्निंग नहीं। अभी एयरपोर्ट है हमने और अपन जा रहे हैं आज बाहर। आज मैंने कैप जो है ये वाली इसलिए पहनी है, बाहर जो है सूरज वूरज नहीं उगा है। और उठ मैं दो बजे गया था और आज धूप धूप कुछ नहीं है बाहर। अपन जो है ऐसे ही अपने ट्रैक सूट पहन के अपने रेडी हुए हैं और अपन जा रहे हैं, थोड़ा किच्चा काम है अपने को, एक भाई से मिलना है, वो काम निपटा के अपने घर पे टच। ठीक है दोस्तों, रास्ते का लुक उठाते रहिए, चलिए हमारे साथ। दोस्तों गाड़ी हो रही थी बहुत गंदी, काफी ज्यादा हो रही थी गंदी, तो भैया बोले बाहर बाहर से धुलवा लेते हैं फिर कहीं निकलते हैं। काफी गंदी हो रही थी गाड़ी, अच्छा भी नहीं लगता है, बोले तो रानी को चमका देते हैं फिर कहीं निकलते हैं लंबी दौड़ पे। वीडियो बन गई है, लाइक करता है और क्या। अच्छा तो सही है भाई, यार आज भाई का फैन हूँ। आशुभाई के फैन हो तुम? हाँ, बहुत बड़ा वाला फैन, बहुत बड़े वाले फैन हो। अच्छी लाइक देता हूँ हर वीडियो पे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दोस्तों अपनी रानी धुल चुकी है, अपना बैडमैन ये देखो तैयार हो गया, बिल्कुल रानी चमक गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था किच्छा काम है, ये अपना आ गया सिकंदर सिंह, आप इसको पहचान नहीं रहे हो कि किसने सर पे बांधा है। मफलर दिखा दो एक बार, मफलर उतार के दिखा दो, तो मैं पब्लिक पहचान नहीं पा रही है, तो कैसे वोट देगी आपको। तो दोस्तों ये है अपना किशन और ये जो है बिग बॉस में जाने वाला है, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा वोट देके विजयी बनाएं, इसको जो है बिग बॉस का एक चेहरा बनाएं। तो आप लोगों को भी हल्द्वानी चलना है, ठीक है हल्द्वानी चलते हैं, घुमा के लाता तेरा भाई तुझे यार, बड़े दिन हो गए। मैंने लगा किशन की दूर दूर अपनों से घूम रहा है। मैं दूर दूर घूम रहा हूँ। अरे मैं घर पे ही था यार, तबीयत खराब चल रही है मेरी, ब्लॉग तो देख ही रहा होगा तू। मेरा फोन बेकार हो गया था कल ही। ओ माय गॉड, इसका फोन बेकार हो गया था, इसलिए हमारे कब्जे से बाहर था ये। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है अपने गांव में आए हैं बहुत तगड़े शिकार से, पहले वो शिकार कर लें फिर आपको जो है देते हैं अपडेट। किच्छा पहुंच के फिर अपने हल्द्वानी पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों बने रहिए, मैं जा रहा हूँ वहाँ किच्छा से अब हल्द्वानी की तरफ को। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैंने सोचा तेरा डॉग ले लूँ, सही हो गया, पहले से वीडियो में कुछ ज्यादा कमजोर लग रहा था। हाँ भाई, क्या नाम है इसका? कारतूस, कारतूस बढ़िया हो रहा है यार, कारतूस डॉ। इसके यार कान सही हो रहे हैं, अपने वाले के कान थोड़े वैसे हो गए हैं। ओए साढ़े काटियो मत, साढ़े साढ़े फिर से बड़ा जहरीला हूँ मैं, ऐसा ना हो तेरे को इंजेक्शन लगाने पड़ जाओ। बढ़िया हो रहा है, फेस कट भी अच्छा आ रहा है इसका, शैंकी ऐसा लग रहा है इस टाइम ये। अपने जो है लालपुर से निकल चुके हैं रुद्रपुर की और रुद्रपुर से सीधा जाएंगे अपने हल्द्वानी, थोड़ा सा काम है वहाँ भाई से, अगर देवेंद्र हुआ तो उससे भी मिल लेंगे। तो निकल चुके हैं हम अपनी मंजिल की ओर, साथ में हमारा बोना भाई बर्गर। आज तेरे को खिलाऊंगा मैं, एक कैमरा में देखी मैं पास्ता, ठीक है डांस करिए ऐसे पास्ता पास्ता, आंख मेरी लड़ी है मनी मन ना हंसने पास ही से हंसने का, मैं तो सुन गई आज भी बोरा जल्दी आएगा लग रहा है। क्यों भाई, अगर मैं खुल के हंसूंगा फिर बच्चा ही हंसने का लगूंगा ना। कैमरामैन साहब इनकी तरफ फोकस करो, तुमने क्या कहा था दोबारा कहो ना, अगर
मैं हंसता हूँ ना, मुस्कुराहट इतनी अच्छी है कि कोई देख मना कर दे कि ये हंस रहा है या रो रहा है। ये कहना चाहता हूँ, इसकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है, अगर किसी का रिश्ता हो रहा हो और इसको साथ में लेके गए हो, इसकी मुस्कुराहट इतनी मनमोहक है कि रिश्ता कैंसिल हो जाए। खत्म टाटा बाय बाय। ठीक है दोस्तों, सफर का आनंद लीजिए, अपन पहुंच रहे हैं सीधा हल्द्वानी, पिंपानी पहुंचने वाले हैं। हेलो, तो दोस्तों हल्द्वानी के लिए बढ़ चुके हैं, इस जंगल में एंट्री कर ली है। तो दोस्तों हल्द्वानी जंगल में हम एंटर कर चुके हैं, हम धीरे धीरे जा रहे थे और ये दुश्मन हमारे विरोधी हमें छेड़ रहे थे, बहुत तेज गाड़ी चला चला और हम बहुत प्यार से जा रहा था, ये साला हमको जो है उंगली दिया और हम जो है लाइट जलाया और हम जो है गाड़ी भगाऊंगा, हम गाड़ी अब भगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम गाड़ी भगाऊंगा और इसी भगाऊंगा कि दिखाओ कितने पे भग रही है गाड़ी हमारी। तो दोस्तों देवेंद्र से बात हो गई मेरी, मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी, हल्द्वानी जो है वो कह रहा है कि चलो राव तैयार होके बैठा, वो जा रहा रामनगर कुछ पार्टी वगैरह है, तो कह रहा चलो, हमने बोला नहीं जाएंगे, उसने बोला चलो, हमने बोला नहीं जाएंगे, उन्होंने बोला चलो, हमने बोला नहीं जाएंगे, फिर हमने बोला चलो, वो कह रहा नहीं जाएंगे, अब हमने बोला चलो, वो कह रहा नहीं जाएंगे, लेकिन हम चलेंगे। रामनगर किसी भाई का बर्थडे बर्थडे बता रहा है, वो उधर पार्टी है। तो दोस्तों अपन जो है हल्द्वानी पहुंच गए हैं, हल्द्वानी मतलब पहुंचे क्या है, देवेंद्र को उठाना था, हम हो गए थोड़ा सा आगे पीछे, तो भाई ने लोकेशन भेजी है, लोकेशन से थोड़ा सा हम आगे पीछे हो गए, तो गाड़ी कर रहे हैं हम बैक, तो यू भेजिए वहां ने लोकेशन, तुम जो है देख सकते हो जो लोकेशन वाने दही है, गाड़ी हमने वापस ले ली है और ये स्कूटी पे लगने से गाड़ी बच गई है, अपने जा रहे हैं रीरूटिंग ले रहा है यार ये, ओ माय गॉड, ये कह रहा है तुम्हारा हो जा सही हो जा यार। एक काम करता हूँ गाड़ी रोक लेता हूँ, खाली रूटिंग होगी फिर हम आगे पीछे हो जाएंगे, फिर दिक्कत होगी, क्यों भाई? हाँ अब कह रहा है ये 10 मीटर पे राइट लेना है, ठीक है, अभी कह रहा है 400 मीटर पे लेफ्ट लेना भाई, पीली कोठी 350 मीटर, ये देख सही चल रहे ना अपने, अब कहते सीधा 250 290 270 220 150 आ जा सीधा 180 आ गया 150 आ जा दोस्तों 40 मीटर पे लेफ्ट ले, ओह माय गॉड, यहां से तो मेरे को रास्ता पता था थोड़ा बहुत, और ये कह रहा है 350 मीटर का। ठीक है दोस्तों अपने जो है लोकेशन पे पहुंच को आपको अपडेट देते हैं, तो आपको आज काफी दिनों बाद हम अपने भाई देवेंद्र से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं आज, ठीक है दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों अपने पहुंच गए हल्द्वानी, तो जैसा कि हमने आज कहा था आपसे, हम अपने देवेंद्र भाई से आपको रूबरू कराएंगे, बहुत टाइम बाद जो है देवेंद्र भाई मिले हमारे ब्लॉग में, तो आप देख सकते हैं मासूम चेहरा न
भी गाएं भरे भी। अरे मैंने सोचा है जब तुम्हारा स्टेटस देखा हरिद्वार का, मैंने लग रहा है बड़ी लंबी कूद करी इन्होंने हरिद्वार की। अरे यार एक ने कमेंट करा है कि भैया बाबा नीम करोड़ी का मतलब ब्लॉग बनाओ। हाँ बहुत बढ़िया। तो अपने यार अंदर ना कैमरा अलाउ नहीं है वहाँ। कौन कह रहा नहीं है? क्या ये रुक क्यों गया? शनिवार है ना, ये देख शनिवार को जो है होती है पूजा। अरे क्यों रुक गया ये? चलो कहाँ जा रहे हैं अपने बता तो दो, हमारी ऑडियंस हमारी जनता जानना चाहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बड़े भाई का बर्थडे है, केक काट रहे हैं। बड़े भाई का बर्थडे? कौन सा भाई का? वीरेंद्र बोरा जी। अरे बोरा जी का बर्थडे आज? ओहो बोरा जी को हम जो है 2019 से जानते हैं, हम भानु भाई के साथ ही मिले थे उनसे ही। अभी आज तक मेरे ख्याल से मुलाकात नहीं हुई है इस बीच हमारी शायद। हाँ जहाँ तक मुझे ध्यान है नहीं हुई। बड़े भाई वही हो ना? बस आ गए हम, आ गए। फिर उसके बाद फटाफट जाना अपने साथ वाले के भाई का, छोटे भाई का बर्थडे है मनोज का। हाँ। उसके बाद उस बर्थडे में निकलना है यहाँ पे। बस बड़े बर्थडे कहाँ है, कहाँ जाना है वो वो देखते हैं कहाँ जाना है। हम बुला रहे हैं, वो जियो पे खड़े हैं। बताओ हमने कह दिया कि भाई वहाँ, हम कह रहे हैं कि देवेंद्र भाई कह रहे हैं रामनगर चलना है। मैंने बोला ना, वो कह रहा चलना है, ना बहुत लाइन खींची मैंने वाली। देवेंद्र भाई बोले हाँ, मैंने बोला ना, मैंने देवेंद्र भाई बोले हाँ, मैंने बोला ना, बोले हाँ ना, मैंने बाद में मैंने बोला हाँ, तो वो बोले ना। वक्त पलट दिया, जज्बात बदल दिए एकदम से तुम्हें बताइए। और ये गाड़ी की लाइट मुझसे नाराज हो गई है अंदर वाली, है देखो क्या कह रही है। कुकड़ू कुकड़ू कुकड़ू, एक बार वीडियो नहीं चली थी ये लाइट कह रही है तो क्या। तो भाइयों आज अपने एक भाई का और बर्थडे है अभी, और बर्थडे सेलिब्रेट करने हम लोग जा रहे हैं कालाडूंगी। रेस्टोरेंट का नाम याद तो नहीं है, वहाँ जाके रामनगर से कुछ ही पहले है, थोड़ा कुछ ही पहले हम इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, इसी गाड़ी को फॉलो करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम छोड़ेंगे नहीं इस गाड़ी को, जो गाड़ी आगे चल रही है। हाथी से लगा दूर से परछाई बड़ी सी, खाड़ा ये छोटा सा ऑटो हाथी लग रहा है। बताओ आगे से उसको लाइट मार रहा होगा ना, बड़ी हाँ परछाई से हो जाता धोखा। कई बार मैं धोखा करके कहता रहे नहीं यार परछाई है, जब मैं टोल वाले रोड पे था, जब अपने टोल काम चलता था और हकीकत में हाथी होता था, कई बार मार खा रखा हूँ मैं इस चीजों में। मैं जब मैं दुबई था, जब हम मिले थे दुबई में, तो भाई एक दिन जा रहा होगा फार्म को लालगुआ से नीचे, सब रुके पड़े हैं। मुझे क्या पता मैंने क्यों रुके पड़े, क्या करूँ देखो ऑप्शन नहीं होता ना पीछे आने का, चल कार तो एक बार बैक गियर लगा के आ जाएगी, बाइक कैसे आएगी। वही मुंह पे पहुंच गया था, कह रहे लोग गाली दे रहे हैं उधर वाले भी इधर वाले भी, कह रहे कैसा आदमी है यार, पता ही नहीं था आदमी तो क्या है क्या नहीं, अच्छा ही है। तो अपना 31st बनने वाला है, अपने भाई आएंगे, अपने भाई आएंगे, एक काम करेंगे उसको भी बुला लूंगा बर्थडे को भी। हाँ हाँ एंजॉय करेंगे यार। उधर ना मेरी बात सुनो, जाम लगा होगा पक्का कल है ना, कैसे करेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, सफर का आनंद लीजिए, फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों अपने जो है कालाडूंगी से काफी आगे पहुंच गए हैं, अपने जो है रामनगर मोड पे जाएंगे। मेरे ख्याल से कोई वो निकलेगा नहीं था, तो मंत्री लेवल का बंदा निकला है, नहीं तो जो है वो नहीं होता। फ्लाइंग की रूट देखो कितना जबरदस्त है।
ऐसा हो तो कोहरा भी मतलब कोहरे को भी मार देती है ऐसी, है ना। रिफ्लेक्टर लाइट लगी होनी चाहिए यार। ये मोदी सरकार कर रही है सब, कांग्रेस सरकार में तो कम से कम देख नहीं होंगे। बीजेपी की सरकार है तो होना ही है। छोड़ो यार मुंह मत खुलवाओ, छोड़ो यार मुंह मत खुलवाओ। ब्लॉग में नेतागिरी नहीं कर रही मैंने, नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ। सरकार ने काम रखा है, तुम यार पढ़ाई कर रहे हो यार। कांग्रेस की सरकार में कभी देखे रिफ्लेक्टर लगे हुए? रोडों में तो साले गड्ढे होते हैं, पता नहीं चलता था गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे है। आप लोगों की वजह से सुनना पड़ रहा मुझे ये राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी यार उसके पीछे जी मत लगाओ। अरे नहीं यार, एक मैं एक बात बताऊं, मैं जब छोटा होता था ना मेरे भाई जो मौसी के लड़के होते दिल्ली में ही थे, हम फरीदाबाद थे, तो युवा लड़के नहीं भाई लड़कियां भी पागल थी राहुल गांधी के लिए भाई साहब, मतलब वो क्रेज रहा है। ठीक है देवेंद्र भाई, वक्त आता है हर किसी का, ठीक है सही है। तो मोदी आए उसका उन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं क्या कह रहा हूँ, सब सबका टाइम आता है। आया मोदी यार, पब्लिक को अच्छा लग रहा होगा ना, अच्छा कर रहा होगा, तो आ रहे हैं। सही बात, अच्छा कर रहे हैं यार, राम मंदिर बना दिया और क्या चाहिए हम लोग। नहीं नहीं ये बात तो सही है, इस मामले में तो मेरा भी मतलब दिल खुश है कि यार कर रहा है यार। और कट्टर कांग्रेस अगले, मैंने तुम्हें बता रखा कट्टर कांग्रेस कौन होते, उसका राज एक दिन मैं फिर खोलूंगा। दोस्तों अपने रामनगर रोड पे बढ़ चुके हैं और जिम कॉर्बेट भी इसी रोड पे है। हाँ जी जिम कॉर्बेट, ठीक है दोस्तों, मौके की लोकेशन पे पहुंच कर आपको जो है यहाँ का लुफ्त उठाएंगे, बाकी रात को क्या ही दिखेगा। ये है जिम कॉर्बेट, ये है जिम कॉर्बेट, यहाँ से एंट्री होता है। तुम्हारा भाई जब एक लेवल पे पहुंच जाएगा ना, और शायद दो कल या परसों, दो दिन कल या परसों कह रहा हूँ, दो दिन में तुम्हारे भाई का जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा चैनल। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें और लाइक करें, फॉलो करें भाई को यार, थोड़ा सपोर्ट करोगे ना तुम्हारा भाई जो है एक लेवल में पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। आज देवेंद्र भाई हमें जो है इसी लोकेशन पे लेके आए हैं कि मैं क्या ही बताऊं, आप अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका आपको मौका मिला है करा सकता हूं, करवा देंगे एक बार, करवा दीजिए। चलो फिर आप नहीं कर रहे हैं। हेलो स्मिथ भी आएगा, तो अपने ये भाई हमारा बर्थडे हमने सोचा हम कुछ नहीं है, खाली बर्थडे वाला भाई का बर्थडे भी है और भाई इस होटल का ओनर भी है। नाम क्या है? आपसे किसी को भी अगर कमरे चाहिए हो, जितनी भी अपनी यूट्यूब फैमिली देख रही है सोहन, तो एक बार बहुत धन्यवाद मेरा, और आप इस चैनल को बहुत प्यार दीजिए और अगले साल इतना शर्मिला एक साल नहीं लगा मैंने नहीं नहीं है ना, स्विमिंग पूल भी है इसमें जिसमें नहाते हैं, हम तो गांव वाले नदी नहर में नहाए आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अपने आए भाई के बर्थडे में, और ये देवेंद्र भाई जो कह रहे हैं कि मैं दारू पीता हूँ हाई स्टैंडर्ड, तो भाई बोला लो जेमसन पियो, भाई ने जो है जेमसन पी दारू बोल रहा उसमें। हाँ सही बात है, वो काट देंगे ना।
देख ले ठंडी हो रही नहीं हो रही। वो नहीं पिएगा यार, वो कहाँ पीता है? क्या हो गया है, कोई जनानी है? पीने वाली चीजें हैं ये, पी ले। तो दोस्तों जैसा ही आपको पता है मैं वेजिटेरियन हूँ, तो तुम्हारे भाई के लिए जो है स्पेशल पनीर, मैं जो है यार एक दाना और था इसमें नींबू का, चलो कोई नहीं मिल जाएगा। और ये भाई नॉन वेज वाले हैं, ये तीनों लल्ला एक संग लग गए हैं। ए लल्ला का खा रहे? पकौड़ा आए, पकौड़ा टेस्टी हो रहा। दोस्तों फिर मस्ती चालू। ये देखो नया गेम है, ये नया गेम ये बचपन में साइकिल वाला टायर होता था, अभी पैर वाल से पैर से हो रहा है कार का टायर। अरे नहीं गिर गया, ये हो रहा हमारा मस्ती टाइम। हाथ नहीं लगाने ये भैया बॉल थोड़े टप्पे खिला रहे उसे। अरे क्या खेल रहे हो भैया, गोल गोल घुमा रहे हो उसे, क्या कर रहे हो? मोटा सोच रहा मेरी बारी कब आए। किसान थोड़ा पीछे हो यार। दोबारा चला गया। तो दोस्तों इस रिसोर्ट का नाम है राही सोहो कॉर्बेट रिसोर्ट। तो पार्किंग फुल थी, अपनी गाड़ी यहीं पे ले। अपने को भी ले लो। किसी को बताना मत, ओके मालिक। तो दोस्तों ये जल रही है, ये चिंकू हेलो हेलो कर रही है अभी। क्या नाम है आपका? सारिका। ओए होए सारिका नाम बता रही है, नाइस नेम। आ जाओ चलो।
बड़े बॉय को नहला दिया, पूल में डाल दिया था बड़े बॉय को। तो दोस्तों अपने आ चुके हैं बड्डे बना के, अब चल दिए वापस कार्डोगाम की ओर और अब गेड़िया मारेंगे अपने शहर हल्द्वानी। अपने शहर हल्द्वानी विच मारेंगे गेड़िया, जो बजेगी गड्डी अपनी बजेगी 120-130 ते तो गाना चलाएंगे अंग्रेजी बीट ते। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, लगे रहिए साथ में और क्या कहते हैं सफर का आनंद लीजिए। ये है रामनगर रोड, अपने जा रहे हैं सीधा हल्द्वानी और हल्द्वानी है अभी 37 किलोमीटर, हल्द्वानी जो है 37 किलोमीटर है और अपने कंटिन्यूस जो है चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए। तो दोस्तों देख सकते हो आप कोहरा जो है बड़ा जबरदस्त हो रहा है और ये लाइट बंद करके देख सकते हैं आप नजारा, और ये नजारा दोबारा स्टार्ट। देवेंद्र भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहें, अब ये ठंड हो रही है काफी ज्यादा, लेकिन ठंड होनी भी जरूरी है। दिसंबर लगभग लगभग जा चुका है, कल 31st है, कल दोस्तों 31st है। ये कर रहे हैं ना अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं ना, फिर बीच में तू हमें सनातनी गाड़ी में शॉट पड़ा था यार, चला देना उसे वड्डी में। पापा चले गया? नहीं यार, अब कहाँ चले। तो दोस्तों कुछ ही देर में अपने हल्द्वानी पहुंच जाएंगे, बस कोहरा ज्यादा ना हो। हाल फिलहाल अभी इतना कोहरा लग नहीं रहा मुझे, क्या पता आगे हो। तो भाइयों ये देख सकते हो आप, काला डूंगी रोड में जंगल में कैसे मृग दिख रहे हैं। दिखे? हाँ वो अंदर है, जा तो वो दिख रहे। उधर देखो, उधर भी है, आगे चलो। दिख रहे हैं? कहाँ दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? कहाँ दिख रहा है? चलो आगे चलो, अब नहीं दिख रहे हैं। मैं धीरे चलता हूँ, बिल्कुल तुम्हें दिखेगा ना, तू बता देना, मैं ब्रेक मार। तो भाइयों ये हिरन ये भाग गए हैं हमें देख के। तो दोस्तों अपने पहुंच रहे हैं मेन हल्द्वानी में, ये परशुराम चौराहा। कौन सा राम चौराहा? परशुराम चौराहा। ये तो क्या है? इसका तो मुखानी चौराहा है। मुखानी चौराहा बोलते थे, अब इसका नाम यहाँ के मेयर साहब ने बदल कर परशुराम चौराहा कर। अच्छा मेरी बात सुनो, मतलब मेयर में पावर होती है इतनी? मेयर यार, मेयर जो है ना वो नगर का प्रथम नागरिक है, तुम्हारे नगर का। अरे वो ठीक है चलो, मतलब जैसे मुख्यमंत्री को पावर होती है ना, तो मतलब क्या कहते हैं मेयर को भी पावर होती है इतनी? अब प्रोसेस तो क्या रहा होगा ये मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन सब अब मुखानी चौराहा का नाम बदल के मतलब परशुराम चौराहा है ना। तो दोस्तों अपने जा रहे हैं वहाँ हल्द्वानी से कार गोदाम की ओर, वो खाने अंग्रेजी में वहा है फलूदा कुल्फी, फलूदा खाएंगे है ना, बड़ा मतलब यार अच्छी लगती है। दोस्तों ये है तिकोनिया चौराहा है। तो जो आइसक्रीम की शॉप है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आगे है, टाइम हो रहा है इस वक्त 11:23। अब वो हमारी किस्मत में है कि आइसक्रीम मिलती है या नहीं मिलती है, बाकी जान दे देंगे इसके लिए। इसकी जान लोगे साला, कहते हैं कि जब गर्मियों के दिन आते हैं तो जानवर जो है ऊपर पहाड़ों की तरफ भागते हैं, और साले लोग तो पीछे शहर छोड़ के जाड़ों में ही भाग गए, साले गांव भाग जा रहे हैं यार तो जाड़ों में। तो दोस्तों मुझे लग रहा है चला गया कुल्फी वाला है, और ये
जितने भी आप लोग हैं आओ अंदर चलो। अरे अरे चलो चलो उतरो तो सर, दरवाजे छोड़ो मैं शीशा उठा रहा हूँ। तेरी कुर्सी नहीं है जितने की उतनी, मना कर रहा है लल्ला ना है इधर। मैं इधर इधर मैं सबको क्या कहते हैं वो आ रहा हूँ बताइयो। वो कुल्फी का नहीं है, मैं मुझे पता है दुकान पे तू कह रहा नहीं है। कौन सा है ऐसा ना बादाम काजू जो है जितना जितना पिला दे पिला दे बस तू पिला दे पेट भर के पिला दे। चारों दरबार और बताओ यार बना तो जो तोड़ रहा है अब कोई उम्मीद से आता है तो अच्छी बात है गलत बात है। आप तो छोटे छोटे बच्चों का दिल तोड़ रहे हैं। बादाम शेक खत्म हो गया होगा कह रहा है, एक दो गिलास है दूसरा पी लेंगे। चार तीन दिन भी होगा किसान ना है नहीं पिएगा पक्की बात क्यों तो दोस्तों अपन जो है भोलेनाथ कुल्फी आइसक्रीम पे आ गए हैं। बादाम शेक मिला नहीं भैया के पास, क्या शेक पिला रहे हो? काजू शेक पिला रहे हो और देख लो इतनी दूर से आए तुम्हारे पास, तुम हमें छोड़ के भाग रहे थे। पल देसी जाना नहीं। तो देवेंद्र भाई किस्मत में था फिर आज दोस्तों। आप लोगों ने जो है आइसक्रीम खा ली है, अब आ रहे हैं ली अपने जो है अपने को दो चार लक्षण दिखाई दिए हैं नींद के, तो अपने जो है अब करेंगे सोने की तैयारी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने ब्लॉग का एंड आज यहीं कर दूँ गाड़ी में ही, तो बस अपने जो है घर जाके क्या ब्लॉग का एंड करना मैं यहीं कर दे रहा हूँ। तो आप करो कि मैं करूँ? एक ही बात है, आप ही करो शुरुआत। तो भाइयो शुभ रात्रि, गुड नाइट। तो दोस्तों फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों से मैं अलविदा चाहता हूँ, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जय हिंद जय भारत। तो गुड नाइट दोस्तों, शिवरात्रि शब्बा खैर, जय हिंद जय भारत।